साइबर सिटी गुरुग्राम में हजारों शादियों पर ग्रहण लग गया है और परिजनों को समझ नहीं आ रहा है कि वे अब क्या करें। हुआ ये कि शादी के कार्ड बट चुके हैं, लेकिन जहां बारात आएगी वे मैरिज गार्डन सील हो गए हैं। ये तस्वीर गुरुग्राम के सेक्टर 10 की है। 30 नवंबर की शादी है, लेकिन जहां बारात आने वाली है उस गार्डन को प्रशासन ने सील कर दिया है। कुछ दिन पहले जब इन्होंने गार्डन बुक किया था उस वक्त सील नहीं हुआ था, लेकिन बुक करने के कुछ दिन बाद ही गार्डन सील हो गया। अब ऐसे में ये परिवार जाए तो जाए कहां? साइबर सिटी में शादी करने के लिए प्राइवेट जगह मिलना मुश्किल है। दूसरी तरफ जो बड़े बड़े होटल हैं उसमें आम लोगों के बजट से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। आबादी ज्यादा होने के कारण सरकार की ओर से बनाए गए कम्युनिटी सेंटर भी खाली नहीं है। ऐसे में वे सभी लोग परेशान हैं जिन्होंने शादी के लिए पहले से ही गार्डन बुक किया है। गुरुग्राम में 2 महीने के अंदर हजारों शादियां होने वाली हैं। कई लोगों ने पहले से ही गार्डन बुक किए हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट के दिशा निर्देश की अनदेखी कर चल रहे गार्डन के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। जिले में कुल 72 गार्डन हैं, जिनमें से 19 गार्डन को प्रशासन ने सील कर दिया है। आयुध डिपो क्षेत्र के तहत आने वाले कुल 35 गार्डन हैं जिन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखे हैं, उन पर अभी कार्यवाही नहीं हुई है। वहां की समस्या ये है कि वहां लाइट की उचित सुविधा ना होने के कारण वहां के गार्डन में लोगों को शादी करने में दिक्कत हो सकती है। इस मामले में गार्डन मालिकों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। हाईकोर्ट ने गार्डन मालिकों को 3,000 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा भरने को कहा है, जिसके बाद गार्डन मालिकों का लाइफ टाइम किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर गार्डन लीज पर होने के कारण गार्डन मालिकों को पैसा भरने में दिक्कत हो रही है, इसलिए गार्डन मालिकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि विधानसभा में बिल पास कर राजस्थान की तरह हर साल फीस भरने की पॉलिसी तैयार करे। दिक्कत आ रही है, गार्डन बुक करा था वो गार्डन सील हो रहा, अब गार्डन मिल नहीं रहा, अब बताओ क्या करें, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमारी शादियां 8 नवंबर से स्टार्ट हुई और त्राही त्राही मच रही है पूरे गुड़गांव के, पूरे हरियाणा के अंदर। आज गुड़गांव के अंदर 72 बैंकट थे, वो तो माननीय हाईकोर्ट की वजह से हमारे 33 बैंकट में लगातार शादियां चल रही है। उन शादियों में भी हस्तपेक्ष किया और अमित महल जो 900 मीटर में था उसको भी सील करने की कोशिश करी। वो तो हमने उनको कोर्ट का स्टे दिखाया तब जाके बात मानने, लेकिन उससे साफ जाहिर लग रहा था कि इन अफसरों की कुछ सोच थी कि हमें कुछ सामान मिल जाए। और रही बात प्रॉब्लम की, आप विश्वास करो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब 8 नवंबर की शादियां थी, 4 दिन पहले हम टेंट लगाने लगे खाली जगह पे, वहां भी ऑब्जेक्शन कर दिया और वो बेचारा लड़की की जिसकी शादी थी वो इतना त्राहे त्राहे मचा रहा था, सर अब हम मौके पे जाएं कहां। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।